हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो स्टैंडर्ड 7th का मराठी सब्जेक्ट, जिसका नाम है श्याम जी बंधु प्रेम। इसे लिखा गया है सानी गुरु जी ने। सानी गुरु जी बहुत ही कमाल के राइटर हैं। उनकी कई बुक्स पॉपुलर रहे हैं पुराने ज़माने में। वैसे तो उनका ध्यान 1950 में हुआ है, लेकिन उनकी कई कहानी अगर आप रीड करो तो आपको इमोशनल टच फील होगा। मतलब आप फीलिंग के साथ वो स्टोरी भी समझ जाते हो। सो ये जो श्याम जी बंधु प्रेम है वो एक उनके किसी बुक से मतलब लिया गया है, छोटी सी कथा जिसका नाम है श्याम जी आई। उसी में से श्याम का बंधु प्रेम करके एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा नहीं बड़ा है, तो वो उठाया गया है और इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल इंट्रोड्यूस ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। पहला तो है श्याम, जो जिनके दो भाई हैं, छोटे छोटे हैं। उसकी माता है जो हाउस मेकर है, मतलब घर संभालती। श्याम के पिताजी हैं जो छोटे से वकील है, स्मॉल टाइम लॉयर है, जो कमाते हैं ऐसा ठीक ठाक। मतलब इतने भी कुछ, मतलब बोलते हैं ना, अमीर नहीं है। अब दे आर नॉट रिच, दे आर पुअर। सो होता ये है कि दापोलिस करके एक गांव में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर वो स्कूलिंग करते हैं श्याम, और बाकी के जो दो भाई हैं वो बहुत छोटे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे। मतलब आप देख सकते हो कि श्याम के पास इतना बड़ा दिल है, वो अपने दोनों भाइयों से इतना प्यार करते हैं। और खासकर एक वो दूसरा मतलब छोटा सा और एक भाई है, दोनों भाई में से वो एक भाई होता है जिसका जिसके लिए उसकी वो जान छिड़कता है। वो कैसे छिड़कता है अपना, मतलब ना जान छिड़कता है, इतना प्यार करते हैं, सब कुछ आपको ये लेसन में देखने को मिलेगा। हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि जो दापोली है, दापोलीस मतलब वो जगह पे ये भाई साहब पढ़ाई करता है, मतलब इसका स्कूल वगैरह, मतलब उधर ही स्कूल को जाता है। लेकिन ये जो गांव में रहते हैं ये बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, और जो स्कूल है वो बहुत दूर है, दोनों मतलब डिस्टेंस है सॉरी। तो दापोलीस में मतलब वो किसी के घर में रहते हैं शाम, मतलब पढ़ाई करने, मतलब स्कूल जाना आना मुश्किल होता है, तो वो किसी के घर पर रहता है वहाँ पर। तो होता ये है कि वेकेशंस था, वेकेशंस के टाइम पे ये घर पे आया रहता है श्याम, मतलब मम्मी से, मतलब उनके साथ ही रहने के लिए आता है। जब ऐसे वेकेशंस रहता है तो श्याम अपनी माता के साथ रहने, माता पिता और जो दो भाई हैं उनके साथ रहते हैं। तो होता ये है कि उस ज़माने में इतने, मतलब पुराने ज़माने की कहानी जैसे आप देखो तो यहाँ पर कैसा है कि पुराने ज़माने में पैजामा, धोती, कुर्ता ये सब पहना करते थे गांव के लोग। आप लोगों को पता है जीन्स वींस तो आज के टाइम पे पहना जाता है, मतलब उधर तो फिर भी ट्रेडिशन आज भी सेम है होगा, लेकिन ऐसी कहानी है ये। तो होता ये है कि वो छोटा भाई है, दोनों में से एक वो छोटा भाई होता है, उसका नाम पुरुषोत्तम होता है। वो लास्ट में डिस्कवर किया जाता है उसका नाम, स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम करके उसका छोटा भाई रहता है। उसका मतलब बोलते ना कपड़ा थोड़ा सा, मतलब बोलते जो पैजामा रहता है वो थोड़ा सा फटा हुआ रहता है। तो उसकी माँ बहुत गरीब, लोग गरीब होते हैं, ज़्यादा कमाई नहीं होती, जो है छोटा मोटा खर्चा चलाते हैं और जैसे भी करके घर चलाते हैं। तो उसका मतलब पैजामा जो है उसको, या उसका जो पैजामा है वो फटा हुआ रहता है छोटे भाई का। तो ये जो श्याम है इसको बहुत बुरा लगता है, देखता है सब कुछ। और फिर इसकी मतलब वो जो छोटा भाई होता है वो अपनी माँ के माँ से जाके पूछता है कि भाई मेरा पैजामा फटा है, मुझे नया पैजामा कब मिलेगा, बिकॉज वही पहन करके उन्हें स्कूल में जाना रहता है, क्योंकि उन लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। रेयरली रेयर सिचुएशन में ये लोग कपड़े खरीदते हैं, बहुत रेयर, मतलब अगर कोई फेस्टिवल रहा तो फॉर अ वाइल, ज़्यादा नहीं। सो ये जो पुरुषोत्तम रहता है वो छोटा भाई रहता है एज आई सेड। तो अपनी माँ से जाके पूछता है कि मम्मी मुझे एक नया को, मतलब बोलते हैं कपड़ा चाहिए, वो कब ला के दोगे। तो ये जो उसकी माता जी होती है वो बोलती है कि श्याम जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, वो काम करेगा, तो तुम्हारे लिए वो अवश्य खरीद के देगा। तो श्याम का दिल भर आता है, वो सोचता है कि नहीं, मुझे अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने भाई के लिए कपड़ा सिला कर ही देना है। ओके, लेकिन वो अपनी स्टोरी में आगे बताता है कि इन लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके पास जब विंटर सीजन होता है तो नॉर्मली हम मफलर वगैरह पहनते हैं अपना, मतलब बोलते हैं ना ढकने के लिए, ये लोग क्या करते हैं धोती को एकदम फोल्ड करके इस तरह से बांध करके ग्यारह करते थे। सो होता ये था कि जब वो स्कूल चालू होते हैं, वे वैकेशंस के टाइम पे सब हिस्सा होता है समर वैकेशंस में, तो ऑल ऑफ द सडन जून आ जाता है और बारिश का मौसम सीज़न चालू होता है। देखा जाए तो पूरा गर्म ज़मीन होता है वो ठंडा पड़ जाता है, फूल भी खिले उठते हैं, बहुत ही अच्छा सा बोलते मिट्टी का स्मेल आना शुरू होता है। तो ऐसे करते हुए ये सोच करके वो अपने मन में ठान देता है कि अपने भाई के लिए मैं कपड़ा सिला कर ही रहूँगा। और देखा जाए तो 3 महीने के बाद गणपति का सीज़न, गणपति का उत्सव रहता है, वो ये भी कहते हैं टेक्स्ट बुक में। तो गणपति के उत्सव से पहले, स्कूल चालू होने के बाद, वो जा करके
कैसे भी करके अपने भाई के लिए कपड़ा, मतलब कुछ ना कुछ कपड़ा सिला करके वो देगा। सो ये समर वेकेशन एंड होता है, अपने गांव से मतलब चल पड़ता है अपने दापोली गांव में। वहां पर स्कूल होने के कारण वो किसी के साथ रहता है, तो उसके जो पिताजी होते हैं वो हमेशा जब भी ये वेकेशंस में आते हैं कभी मिलते हैं तो उसको छोटा मोटा बोलते ना पैसा देता है पॉकेट मनी के तौर पे, कुछ खा लेना। तो वो जो पैसा मिलता है अभी ये सुनने के बाद वो क्या करता है कि अपने पिताजी का जो भी छोटा मोटा पैसा जो उसको मिलता है वो जमा करता है। उस ज़माने में अनाज होता था, अनाज ओके, रुपया या नहीं रुपया बहुत बड़ा होता, अनाज तो भी ठीक था तो बहुत बड़ा होता था उस दिनों में, 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया ये सब बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते थे। तो राइटर क्या करता है कि सारे पैसे, मतलब राइटर नहीं सॉरी शाम होता है वो पूरे पैसे जमा करता है। और ऐसे करके जमा करने के बाद वो एक दिन क्या करता है अपना मतलब एक उधर ही उसके स्कूल में एक मतलब उसके मतलब जो बोलते हैं ना उसके स्कूल के वहाँ पे एक छोटा उसके भाई के जितना एक छोटे हाइट वाला लड़का रहता है उसको लेकर के टेलर के पास जाता है और टेलर से वो सिलवा लेता है अपने भाई के माप का एक जैकेट। और जैकेट बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सिला करके दे देता है इसको शाम को। तो शाम बहुत ईगर हो जाता है कि अगर ये शाम जैकेट लेकर के मैं अपने भाई के पास गया तो बहुत खुश हो जाएगा, उसकी माँ के माँ भी खुश हो जाएगी, पिताजी भी खुश हो जाएगी, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और वो क्या करते हैं जब उसको जैकेट मिलता है वो क्या पागलपन करता है लिटरली, वो मतलब अपने जब जहाँ पर वो रहता है वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, वो निकल कर गाँव आने की कोशिश करता है बारिश के टाइम पर। तो जो घर पर जो जहाँ पर वो रहने के लिए जाता है तो रहने के लिए जाता है तो वो बोलते हैं कि मत जाना इतना बारिश है पानी भर चुका है, तुम अगर जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बिल्कुल ना सुनते हुए ये अपना बोलते हैं ना पेटी बिस्तर टाइप बांध के उस वक्त बैग नहीं होगा ऐसे पोटली ऐसा बांध के वो जैकेट लेकर के चल पड़ता है। चल पड़ता है तो क्या होता है बाप रे, वो चलते चलते बहुत पानी का स्तर बढ़ते जाते हैं, पानी का ये बोलते फोर्स ज़्यादा रहता है ओके। तो ये गिरने का भी ऐसा नौबत था उसके लिए, बहुत खतरा था। ये बिना सोचे चल रहा है कि अचानक से एक ग्रीन कलर का एक सांप के बारे में बताया गया। सांप का नाम क्या है, नानेटी करके एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है ग्रीन कलर का, जो उसके तरफ से ऐसा उड़ उड़ के जाता है, ऐसा सीना नहीं जाता, उड़ उड़ के जाता है। तो ये डर जाता है, ये अभी चौंकना रहता है चलते हुए चलते चलते पानी का बहाव और मतलब फोर्स रहता है वो एकदम सा रहता है। लेकिन वो राइटर ने किस तरह से प्यारे इस तरह से डिस्क्राइब किया टेक्स्ट बुक में कि जैसे पानी नाले की तरफ प्रेम से ईगली जाने की कोशिश करता है वैसे वो भी अपने भाई की तरफ गांव जाने के लिए ईगली। तो दोनों में वो मतलब वो इतना बोलते ना उसमें फेद था कि पानी इतना प्रेम कर पानी का प्रेम मतलब तालाब की तरफ जाने का होता है, मतलब जैसे इसको बड़े भाई को अपने छोटे भाई की तरफ उसके घर में मतलब घर पे जाना था तो उसका जो रिस्टेंस था वो प्रेम मतलब उस दिल से वो जाने जो प्यार था उसके अपने भाई के लिए तो वो प्यार उसको वहाँ से लेके जा रहा था। और ये जो पानी था वो भी दयालु था, वो भी प्रेम करता था प्रेम से अपने नाले की तरफ जाने की कोशिश मिल मतलब बोलते ना बड़े नाले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दोनों अपने अपने रास्ते थे तो क्यों वो गिरेंगे, तो उसके अंदर वो फेथ था, उसके अंदर वो पॉजिटिविटी थी। तो ये बड़ा सा डंडा लेकर के चला करता था कि देखने के लिए कि कोई गड्ढा तो नहीं है, गड्ढा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे करते करते तो वो मिट्टी तो पूरा ऊपर ऊपर आ रहा था, साथ में जो पत्थर थे पॉइंटेड पत्थर उसके पैर पे लग रहे थे, उसको चुभ रहा था बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था। सो राइटर था कैसे भी करके घर पहुँच गया। अब घर पहुँच गया पूरा भीगा हुआ था, वो अपनी माँ को मतलब बुलाता है बाहर से कि मैं आ गया हूँ। तो माँ भी एकदम से डर जाती है, सोचती है कि इतने बारिश में ये भाई साहब आया कैसे। तो पिताजी भी थे घर में, तो माँ पूछती है कि यार इतना पानी भरा है तुम आए कैसे। पिताजी भी पूछने लगे कि जहाँ तुम रहते हो जगह का नाम बताए, वहाँ पर पानी नहीं भरा था पानी मतलब उस जगह में उनको पता था कि पानी वाटर लॉगिंग होता है। तो इसने बोला कि हाँ भरा था लेकिन मैं आना चाहता था। इस तरह से माँ भी थोड़ा सा ये हो जाती, माँ बोलती है कि तुम जाओ अपना कपड़ा चेंज करो, तुम गर्म पानी से नहा लो फ्रेश हो जाओ। तो ये जाता है नहाने के लिए फ्रेश होने के लिए कि वो पोटली रहता है उसका जो दो छोटे भाई होते हैं वो मतलब स्टार्टिंग में तो दो छोटे भाई बाहर आते हैं, बोलती है माँ को कि देखो बड़ा भाई आया शाम आ गया। तो जो पुरुषोत्तम रहता है वो जाता है मतलब ये जो फ्रेश होने के लिए जाता है नहाने के लिए कपड़े बदलने के लिए, तो जो पुरुषोत्तम रहता है वो जाता है पोटली की तरफ जाता है और खोलने के लिए जाता है। जैसे कभी कोई भी आता है तो बच्चे लोगों का शरारत रहता है कि खोल के देख लूँ, तो ये भी खोल के देख लेता है भाई साहब। वो ये देखता है कि यार एक जैकेट है, अभी उसको खाने पीने के लिए वो इतना गरीब रहता है कि ना इतनी
हैसियत नहीं होती कि खाने पीने के लिए लाऊं या कोई चित्र का बुक लाऊं या कुछ ऐसा चीज़ लाऊं जो वो खुश हो सके। इसने जो इतनी गरीबी में भी उसने अपने भाई के लिए एक जैकेट सिलवाया जिससे वो खुश हो सके। तो ये जो पुरुषोत्तम होता है वो जैकेट लेकर के जाता है और बोलता है कि ये तो मेरे भाई के साइज़ का तो है नहीं, अपनी माँ की तरफ लेके जाता है, माँ को पूछते कि ये जैकेट किसके लिए है, और भाई को पूछता है, भाई बोलता है कि तुम रखो साइड में, मैं आता हूँ, मतलब थोड़ा सा हाथ पैर धो के फटाफट आ जाता हूँ मतलब। तो उसके पिताजी माँ पूछने लग जाती, पिताजी पूछने लग जाती कि क्या किसी ने उस गांव से किसी ने भिजवाया है किसी और को देने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे तो कोई ना कोई पार्सल दे देते कि बाजू वाला नेबर है उसको दे दो या किसी का सामान हो, तो उनको ऐसा लगा। लेकिन नहीं, राइटर मतलब जो राइटर बोल रहा हूँ सॉरी शाम है, वो बोलता है कि नहीं मैंने खरीदा है, मतलब मैंने मेरे अपने लिए, मतलब मैंने दिस इज मतलब ये अपना है। तो पिताजी थोड़े परेशान हो जाते, माताजी परेशान हो जाते, माँ पूछती कि किसी से तुमने उधार लिया है, किसी ने लोन लिया है या किसी से तुमने किसी का पैसा चुराया है, या पिताजी भी पूछते कि क्या तुमने मेरा फी मैंने दिया हो फीस के पैसे से यही किया है। तो ये सब सब सवाल ये करने लगे। तो शाम ने क्लियर किया कन्फ्यूजन की ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो पैसे आप देते थे खाने के लिए उस समय पैसे बचाया करता था, और मम्मी ने कहा भी था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम काम करोगे तो तुम अच्छा सा कपड़ा पुरुषोत्तम के लिए सिलवा लेना। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अभी मैं सिलाऊँ, मैं अभी वो चीज़ दे दूँ जिसके चलते वो भी खुश हो, आप भी खुश हो, सभी सब कुछ सही रहे। तो माँ देख मतलब पुरुषोत्तम बहुत एक्साइटेड वे में बच्चा है, वो पेन लेता है और वो अपनी माँ से पूछते कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और वो ये भी बोलते कि अब मैं स्कूल जाऊँगा तो मेरा पेंसिल नहीं घूमेगा, क्योंकि जो पेंसिल वो पेन डाला करता तो वो जेब फटा रहता तो घूम जाता था। तो बहुत खुश था, उसकी माँ भी बहुत खुश हुई, उनको खुशी के आंसू आ गए, इसको भी खुशी के आंसू आए थे जब इसने, शाम को भी खुशी के आंसू तब आए थे जब उन्होंने वो जाके सिलवाया था टेलर से और तब वो बाहर निकले थे, तो मैंने वो बोलना भूल गया। माँ खुशी के आंसू आने लग गए, माँ ने बोला कि तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे इतने अब तक पढ़ाई भी तुम्हारा बस चालू ही है, तुम इतने तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो बहुत बड़ा है, तुम्हारे में इंसानियत है, तुम्हारे में प्यार है अपने भाई के लिए, और यही प्यार ज़िंदगी भर रहे, किसी की नज़र ना लगे। और वही दूसरी तरह उसके पिताजी आते हैं, पिताजी पीठ पे ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं लहराते अपने बेटे को, मतलब ऐसा बोलते हैं मतलब ऐसा मतलब शाबाश की जैक देते हैं, और वो कुछ नहीं बोलते बल्कि उनके अंदर भी वो खुशी जागरूक रहती है अपने बेटे अपने बच्चों के लिए। ये देख करके दोनों माँ बाप खुश, भाई खुश, शाम भी खुश, छोटा भाई भी खुश, और इस तरह से कहानी समाप्त। सो नाइस स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, आई लव डेट। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी होगा @danzafriend28, गो एंड चेक इट आउट, फॉलो मी देयर, एंड डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। अच्छी कहानियाँ होती है तो मैं कभी भी मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन अगर हाँ वो बकवास कहानी होती है तो लाइक इट्स लाइक मेरा दिमाग फिर जाता है तो मैं बहुत ही रोस्ट टाइप कर लेता हूँ। तो ये कहानी के लिए मुझे बिल्कुल रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये इंसानियत आज के टाइम पे तो मिट चुका है लेकिन कुछ लोगों में इंसानियत अब बची है। सो ये देख करके अच्छा लगा, आजकल असली भाई बहन किसी के नहीं होते, किसी का कोई किसी का सगा भी नहीं होता। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।